सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में महादेव की ड्राइंग करने वाला हूँ। और इस ड्राइंग को करने के लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं यहाँ पर A4 साइज की ड्राइंग पेज यूज़ कर रहा हूँ और ग्रिड मेथड से करने वाला हूँ इस ड्राइंग को। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस वाटर के ऊपर ग्रिड लाइंस को क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया हूँ, जो कि आप लोगों को प्ले स्टोर में इजिली मिल जाएगी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैं वर्टिकली और A4 साइज में इसको सिलेक्ट किया हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर A4 साइज की ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ। और सेल साइज यहाँ पर मैं 20 mm रखा हूँ। तो ड्राइंग पेज के चारों तरफ हमें अभी 20 mm यानी 2 सेमी छोड़ छोड़ के मार्क करना होगा, तभी हमें रेफरेंस फोटो जैसा ग्रिड लाइंस ड्राइंग पेज के ऊपर मिल जाएगी। तो अभी मैं पहले 2 सेमी छोड़ छोड़ के ऊपर की तरफ मार्क करूंगा, लाइक 2, 4, 6, 8 ऐसे करके 20 सेमी तक ऊपर की तरफ मार्क करना है, और ऐसे ही 20 सेमी तक नीचे भी करना है। और अभी बाकी की दो साइड्स में भी 2 सेमी छोड़ छोड़ के ही मार्क करना है, बट इस पर 28 सेमी तक करना है। बस चारों तरफ मार्क हो गई है गाइस। और अभी ऊपर और नीचे जो डॉट्स है उसको इस तरीके से लाइंस में मैच करते जाना है। और गाइस, जब आप लोग ग्रिड लाइंस को क्रिएट करोगे, तब आप लोग जितना हो सके लाइट पेंसिल का यूज करना, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर HB पेंसिल का यूज कर रहा हूँ, और जितना हो सके लो प्रेशर अप्लाई करना, क्योंकि आउटलाइन कंप्लीट हो जाने के बाद जब इसके ऊपर आप लोग शेडिंग या फिर कलरिंग करोगे, तब पहले ग्रिड लाइंस को इरेज भी करना पड़ेगा। तो इरेज हो जाए इस तरीके से आप लोगों को ग्रिड लाइंस को ड्रॉ करना है। बस गाइस, ग्रिड लाइंस कंप्लीट हो चुकी है। और अभी जिस तरीके से रेफरेंस फोटो के ऊपर और साइड में 1, 2, 3, 4 करके नंबरिंग की हुआ है, सेम वैसे ही आप लोगों को अभी ड्राइंग पेज के ऊपर भी करना है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और यहाँ पर 2 से स्टार्ट करना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक मार्क करना है। बस ग्रिड लाइंस में सब कुछ कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी रेफरेंस फोटो को देखकर कौन से बॉक्स में कौन से फीचर है वो आप लोगों को फाइंड करना है। तो मान लो मैं इस ड्राइंग को आई से स्टार्ट करना चाहता हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जस्ट आप लोग प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझो। तो अगर आप लोग इस ड्राइंग को आई से स्टार्ट करना चाहते हो, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सिर्फ ऊपर से 7th नंबर बॉक्स पे और साइड से भी 7th नंबर बॉक्स पे ही है। और सेम चीज हमें अभी ड्राइंग पेज के ऊपर भी फाइंड करना है। तो ऊपर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और नीचे से 2, 3, 4, 5, 6, 7। सो यस, इस ड्राइंग को स्टार्ट करना है। तो अभी रिफरेंस फोटो में ये जो आई है वो इस बॉक्स में है, और इसी तरीके से हमें अभी कौन से बॉक्स में कौन से फीचर है फाइंड करते जाना है रिफरेंस फोटो को देखकर और ड्रॉ करते जाना है। और अगर आप लोग इस तरीके से एक पॉइंट फाइंड कर लो ना, तो दूसरा पॉइंट फाइंड करने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली देखना एक के बाद एक हो जाएगी। और मैं इस ड्राइंग को पेंसिल स्केच मीडियम पर करने को सोच रहा हूँ। आप लोग कौन से मीडियम पर इस ड्राइंग को करना चाहते हो वो कमेंट्स पर जरूर से बताना। और हाँ, जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स कर दो, दिन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अभी आप लोग देखो मैं किस तरीके से इस ड्राइंग को कर रहा हूँ। एंजॉय द वीडियो। Thank you.
सो आई होप गाइस आप लोगों को ये ड्राइंग वीडियो पसंद आई है। इसके नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो ऑन के लाइक्स करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।